आपने मुझसे शादी इसलिए की थी ना, क्योंकि मैं किरण जैसी दिखती थी, वरना उसके इंतकाल के बाद तो आपके आपके दिमाग से शादी का ख्याल भी निकल गया था और शायद कभी आता भी नहीं। इसलिए आया क्योंकि आपने मुझे देख लिया था। और फिर सिर्फ मुझे हासिल करने में लगे रहे और फिर हासिल कर भी लिया, तो ये सोचकर खुद को तसल्ली देती थी कि किरण का अक्स है मेरे सामने, वरना कौन मानेगा कि आप जैसा इतने बड़े बिजनेस का टाइकून, मुझ जैसी मिडिल क्लास बेवा एक बच्चे की मां से शादी करें, कौन नहीं मानेगा। मोहब्बत तो कभी आपने भी नहीं की थी। आप रुमैसा रहमान से मोहब्बत नहीं करते, आप उसके अक्स से करते हैं। आप मुझे मोहब्बत का ताना दे रहे हैं। याद है कितना खुश हुए थे आप जब मैं आपके सामने बिल्कुल किरण की तरह तैयार होकर करता था किरण से मोहब्बत यार, और मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन रूमी मैं तुमसे मोहब्बत तुम्हारी वजह से करता हूँ, किरण की वजह से नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे माँ हमने आपकी बचपन की दोस्त ने बताया कि रूमी सारिम ने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम किरण की तरह दिखती थी। साथी आंटी ने भी मुझे कहा कि सारिम ने जैसे तुम्हें देखा है शादी के लिए हामी भर ली थी, इस बात का क्या मतलब निकालू मैं। और मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि आप किरण से मोहब्बत करते थे या अभी भी करते हैं, लेकिन लेकिन अगर झूठ से इतनी नफरत है तो मुझसे क्यों बोला झूठ। मुझे क्यों इस फरेब में रखा कि रूमी तुम खास हो और मैं पागल समझती रही तुमकी खास हूं मैं और मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम पे पूरा हक होते हुए इस एक कमरे में रहते हुए मैंने कभी तुम पे हक नहीं जताया, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। रूमी तुम्हारी एक खुशी के लिए, एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जिंदगी का हर काम छोड़कर आ जाता हूं, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। रूमी मैं अपनी मां के अरमानों को तुम्हारी हर खुशी हर ख्वाहिश पे कुर्बान करता हूं हर रोज, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। यार आहिल, अपनी औलाद की तरह लगता है मुझे, मेरा बेटा है वो, तुम मुझसे ये कहती हो कि मैं उसे अपना नाम तक नहीं दे सकता, मैं मानता हूं ना उसे यार, किसके लिए। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। रूमी ये सारी बातें जो है ना वो तुमसे जुड़ी है, किरण से नहीं। किरण मेरे माजी की खूबसूरत याद जरूर है, लेकिन दीमक नहीं है जो मुझे अंदर से खोखला करे, बल्कि वो मोहब्बत मुझे आज तक देती है ताकि मैं तुमसे मजीद मोहब्बत कर सकूं।